आखिरी प्रमुख मांग है मैडम, एक तो जो बार बार चुनाव जो लड़ते हैं, बार बार वही लोग लड़ते हैं, वो बंद हो। जो एक बार बन गया वो दोबारा ना बने। 5 साल एक बार ही रहे, वो चाहे CM बने, प्रधानमंत्री बने, जो भी बने, मेंबर, MP, MLA जो है, वो सिर्फ 5 साल के लिए बने। ये नहीं बार बार वो, फिर उसका परिवार, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे। मेन हमारा एक ये है, एक जो चुनाव के अंदर जैसे बेल्ट पेपर है गवर्नमेंट देती है, फोर्स है गवर्नमेंट देती है, सारा इंतजाम गवर्नमेंट करती है, और कुछ पैसा जैसे कैंडिडेटों को, बल्कि वो भी ज़्यादा दे रखा है परमिशन, भाई इतने तक खर्च कर सकते हैं, लेकिन करोड़ों रुपया खर्च होता है गैर कानूनी तरीके से। तो हम ये कहते हैं भाई चुनाव आयुक्त उन पर सख्ती से कार्रवाई करे, उनको बिल्कुल ये करे, ताकि तभी तो ये जो 98% लोग हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे, चुनाव प्रक्रिया से जुड़ेंगे। अभी 98% लोग तो सिर्फ वोट डालने तक सीमित हो गए, सिर्फ 2% हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, वो ही लड़ेंगे। फिर लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या फ़र्क है? तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। यहाँ हमारा धरना जो था इसका उद्देश्य ये था भाई, हम चुनाव आयुक्त को और सरकार को राजधानी में हम ये करें। तो आप आए कहाँ से हैं? हम हरियाणा से आए हैं। हाँ, बाकी दिल्ली से भी आए हैं कई मेरे दोस्त। और दूसरा, हम इसके माध्यम से पब्लिक को भी यही कहना चाहते हैं, और पब्लिक में हम जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रोग्राम होंगे, पूरे देश के अंदर जगह जगह मीटिंग हम पहले भी कर रहे हैं लोकल एरिया में। तो मेन मुख्य हमारी दो ही मांग है। तीसरी, हम ये कह रहे हैं भाई, जो आज रूरल एरिया है, 80% जो हिंदुस्तान के अंदर वो गाँव का एरिया है, वहाँ पर लोगों को वोट का महत्व नहीं मालूम। वोट डालने का पता है लेकिन उसका महत्व क्या होता है, वो कितनी कीमती है, उस चीज़ का नहीं मालूम। तो जो NGO संस्थाएं या जो इस लाइन में काम कर रहे हैं वोटर को जागरूक के लिए, उसको सरकार आर्थिक मदद दे ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। नहीं तो अभी पैसा दिया, झूठ बोल दिया, बेवकूफ़ बना दिया, भाई भाई में झगड़ा करवा दिया, ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये 4 साल तो माल खाते हैं, मजे से रहते हैं, 5वें साल में इनको हिंदू मुस्लिम में फ़र्क नज़र आने लग जाता है, पब्लिक में झगड़ा करवाना, जाति में झगड़ा करवाना, दंगे करवाना, तो ये किसका वो है। दूसरा ये है, माहौल बिगाड़ते हैं। अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करता है तो इन्हीं के जो नीचे वाले जो हैं, मैं उनको ये कहता हूँ, जो पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं ना भाई हम कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता नहीं है। मैं उनको ये कहता हूँ, वो भटके हुए युवा है, भ्रमित युवा है, गुमराह हुए युवा है। कार्य लोकतंत्र में अगर एक शासक है बार बार वो ये, वो कार्यकर्ता कहाँ है? वो भटके हुए हैं, क्योंकि वो अपना नुकसान, देश का नुकसान और लोकतंत्र का नुकसान कर रहे हैं, वो प्रजातंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक आदमी के लिए अगर कोई काम करेगा वो तो भ्रमित होकर करेगा या अपने फायदे के लिए करेगा, तो ये कार्यकर्ता नहीं है। ऐसा अगर नहीं होता है, अगर जो आपकी मांगे हैं आपने जो रखी हैं, अगर नहीं होती हैं पूरी, तो आगे आप क्या है आपका? मेरा एक ही है, मांगे पूरी हो ना हो, मैं जनता में लोगों को जागरूक, मेरा NGO है, मैं लोगों को जागरूक करने का काम करूंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, लोगों को जगाऊंगा जितना मेरे से होगा, लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को समझ में आएगा, वो जागेंगे, वो अपनी मांग खुद रखेंगे, खुद करेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को मैं यही कहता हूँ भाई, एक तो ये जो है ना कार्यकर्ता, इन कोई कहना चाहिए, जो सभी पार्टियों के कार्यकर्ता, मैं ये कहता हूँ भैया देश के लिए लड़ो, लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए संघर्ष करो, किसी नेता के लिए नहीं कि ये BJP का मैं कार्यकर्ता हूँ या उसका हूँ, ये कार्यकर्ता है ही नहीं, ये भटके हुए युवा है, ये गुमराह युवा है, ये नेता है, मेरे को लालच दे दिया, इस भाई को लालच दे दिया, इसको दे दिया, तेरे को नौकरी दिला देंगे, तेरे को ये कर देंगे, ये वो लोग हैं, भ्रमित रखते हैं, उनकी ज़िंदगी खराब करते हैं, 10 साल पीछे घुमाते हैं।